जैसा कि सबका थंबनेल है, मेरा भी थंबनेल देखकर आप समझ तो गए होंगे कि अभी दो दिन से जब भी YouTube खोल रहा हूँ आखिर ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। मैंने कहा इन दोनों के बीच में क्या हो गया, तो थोड़ा इधर उधर खंगाला तो पता चला कि दरअसल संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसके थंबनेल पर लिखा है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में हमेशा की तरह वही कंटेंट है जो संदीप माहेश्वरी अपने लाइव प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन इसमें ऑडियंस में से एक लड़का अपना सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो मैंने एक कोर्स खरीदा था और उसको खरीदने के बाद में जो एक्सपेक्ट करता था वो मुझे नहीं मिला। उस लड़के ने इस कोर्स को 50,000 रुपये में खरीदा था। और उसी सेशन में एक और लड़का भी खड़ा होता है और कहता है कि जो लोग ये कोर्स करवा रहे हैं वहाँ पर लोगों को झांसे में लेने का काम करते हैं और उसके लिए उन्होंने उस दूसरे वाले लड़के से भी 35,000 रुपये लिए हैं और उन दोनों लड़कों ने कोर्स पूरा कर लिया है और दोनों लड़के इस कोर्स से 1 भी रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। ये वीडियो अपलोड होने के बाद विवेक बिंद्रा ने अपने उस वीडियो को चैनल से डिलीट करने की बात बोल दी और डिलीट ना करने पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है। और इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी के कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से तो विवेक बिंद्रा ने अपने कुछ एम्प्लॉय को संदीप माहेश्वरी जी के घर भी भेज दिया, लेकिन संदीप माहेश्वरी का कहना है कि डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा, आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे यूट्यूबर्स मेरे साथ हैं, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे और आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात भी करेंगे, किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे, एक डिलीट होगा तो 1,000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो CM हो या फिर PM ही क्यों ना हो, तो फिर तुम हो ही क्या चीज़ हो। उनका कहना है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन्हें कोर्स बेचना कोई घोटाला नहीं है, लेकिन किसी गंजे व्यक्ति को ये दावा करके कंघी बेचना कि ये एक जादुई कंघी है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है जो 1 महीने के अंदर उनके बाल उगा देगी, ऐसा दावा करना और उस बेकार महंगी कंघी को पैसे भी वापस ना करना एक घोटाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस इंसान से उसे दूसरों को भी बेचने को कहना ये गलत बात है और ऐसे घोटालों में लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है और इसके लिए सब लोगों को एक स्टैंड लेना चाहिए। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी के YouTube चैनल पर भी एक कम्युनिटी मैसेज आता है जिसमें ये लिखा है कि मैंने अपना आपका नया बिग एक्सपोज्ड स्कैम वाला वीडियो देखा जिसमें आपने पुष्टि की है कि ये मुद्दा मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल ID से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आपने पहले मुझे अपने शो में बुलाया था जहाँ मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया था और मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूँ। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है तो बैठकर चर्चा कीजिए। इसके बाद बिंद्रा जी लिखते हैं कि बिजनेसमैन के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड भी आयोजित किया है जिसमें हज़ारों युवा एंटरप्रेन्योर आए और खाली हाथ नहीं गए हैं, उनमें बड़े बड़े बिजनेस के दिग्गजों से भी कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद मैं व्यापारियों के लिए 10 दिन का MBA प्रोग्राम भी लेकर आ रहा हूँ और मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूँ और अगर आपके पास कोई सुझाव या फिर प्रस्ताव है तो मैं आपके सामने आमने सामने बैठकर चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे बताना कब आना है। और रही बात अपने किसी कर्मचारी को डराने की या फिर धमकाने की, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अगर मेरी टीम में से किसी ने भी ऐसा किया है तो कृपया मुझे रिकॉर्डिंग साझा करें, मैं खुद कार्रवाई करूँगा। आपने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और मुझसे बात करने के लिए भी कई बार मेरे विनम्र अनुरोध को भी नज़रअंदाज कर दिया है। आपने मेरे बारे में 5,000 से अधिक सकारात्मक टिप्पणियाँ भी हटा दी हैं। ये तो सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर पर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था और ये पूरी YouTube कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फ़ायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरे अधिकार में है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कहना था विवेक बिंद्रा जी का।
और जब अब आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।